प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी की तरफ से शहीद सरदार भगत सिंह को समर्पित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य सब्जेक्ट आज के दौर में मीडिया के लिए चुनौतियां और संभावनाएं रहा। इस अवसर पर जाने माने सचेतक प्रोफेसर मंजीत सिंह और पंजाबी ट्रिब्यून अखबार के न्यूज कोऑर्डिनेटर सरदार हमीर सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। डेराबस्सी के नेशनल कॉलेज में आयोजित इस सेमिनार में कॉलेज के प्रोफेसर सरदार गुरजन सिंह का विशेष योगदान रहा और कॉलेज के बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मीडिया जगत की कार्यप्रणाली को समझा। वहीं अपनी स्पीच में प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा कि आज के इस दौर में सभी ह्यूमन वैल्यूज को छोड़कर पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा साधन है जिससे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए सहायता मिलती है। वहीं सरदार हमीर सिंह ने कहा कि मीडिया जगत का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें सभी को ईमानदारी के साथ काम करते हुए समाज की बुराइयों को सामने लाना चाहिए। सोशल मीडिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का काफी चलन हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर डाली गई किसी भी जानकारी को पहली नजर में सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी डाला जाता है उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। सर, आज प्रेस क्लब डेराबस्सी में जो प्रोग्राम रखा गया कि कहना चाहते हैं कि मिलिया इतने प्रेस क्लब के 111वां जन्मदिन शहीद भगत सिंह के नाँ के उत्ते मीडिया के उत्ते एक लैक्चर सीगा प्रेस क्लब वालों, तो जिहड़ा बहुत ही शलाघाजोग कदम सीगा मीडिया के लिए भी और इतने के बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट टीचर जर्नलिस्ट इन सारे ने उन्होंने अटेंड किया। और मेरा इस समागम बारे ये कहना है कि उम्मीद कटी नहीं है, हालांकि साढ़े चुनौतियां बहुत हैगियां, वो मीडिया दे विच भी हैगियां ते बाहर भी हैगियां, पर इस हिंदुस्तान की जमहूरीयत जो अज तक जर्नलिस्टा ने और मीडिया ने एडी अहम भूमिका निभाई आ, वो आने वाले समय च जिहड़ियां सख्त चुनौतियां होणगियां उस तरह ही अहम भूमिका निभा के उन्हां चुनौतियों का मुकाबला करते हुए इस मीडिया नू इस जमहूरीयत का बहुत ही मजबूत स्तंभ के तौर पर प्रूव करके रहेंगे। ये अज का सारंश इतों के फंक्शन का सी। अज का सैमीनार बेसिकली जिहड़ियां पत्रकारिता के सामने चुनौतियां ने ते उहदियां संभावनावां की ने इहदे ते सीगा, और जिहो जिहा माहौल देश दे विच बन रहा दुनिया च जिवें आम आदमी के सामने चुनौतियां ने, बेसिकली बेरोजगारी बहुत ज़्यादा यूथ के सामने चुनौतियां ने, इस तरह सारे बिजनेसमैन के सामने किसान तो मजदूर खुदकशी कर रहे उस सामने उस माहौल के मीडिया सामने भी चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि जी डेसेंट है बखरेम है उन्होंने प्रवान करना जोड़ा बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो प्रवान नहीं किया जा रहा, इस करके मीडिया के जोड़े पत्रकार ने उन्होंने चाहे गौरी लंकेश का होए चाहे वह त्रिपुरा के पत्रकार का मर्डर होए अलग अलग जोड़े मर्डर उस पद्धर से हो रहे हैं। इस समय के चुनौती भरपूर समा तो है, पर मैनू लगता कि चुनौतियां जिन्नियां होंदियां ने उहदे चों वध संभावनावां पैदा होंदियां ने, ते उह संभावनावां दे तौर ते मीडिया दे विच जिहड़े दोस्त हैगे ने जां पत्रकारिता दे तौर ते जिहड़े लोक कम करदे ने, इतिहास भी उहनां नूं इही दसदा कि बड़े पद्धर ते पहलां जदों गुलामी दा दौर सी उदों अखबारां बंद जबरदस्ती भी कर दित्तियां जांदियां सी, पर फिर भी उह लगे रहे। अपनी भूमिका मीडिया निभाउंदा रहेगा इस गिवन सिचुएशन दे विच भी, इह इत्थों दा मैसेज भी है। पहली गल ते सैमीनार करवाउणा ही है, पैगाम देणा है कि मीडिया नूं अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास वध तो वध होए, तो जिम्मेवारी निभाते हुए जिहड़ी उहदी भूमिका है लोगों के हकों च खड़ना, लोगों की गल करना, लोगों की गल नूं समाज के सामने लेके जाना, वो अपनी भूमिका निभाता रहेगा। सर, सोशल मीडिया तो कई फेक न्यूज़ नूं सच समझ लिया जाता, वो बारे की कहना चाहते हैं? हाँ, ये है क्योंकि मीडिया दे सोशल मीडिया नवा वर्तारा है एक समाज के, पहला तो प्रिंट मीडिया ही मेन सीगा, फिर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो क्या है, प्रिंट मीडिया तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के एक प्रोसैस के राही कोई चीज़ जाती है, कई जगह तो वो चैक लगते हैं। सोशल मीडिया जिते फ्रीडम दिंदा, आज़ादी दिंदा, हर बंदे नूं अपनी गल कहण दा मंच दिंदा, पर उहदी इक कमी बहुत वड्डी ये है कि उहदे ते कोई चैक नहीं है, उहदे ते कोई इहो जिहा स्क्रीनिंग नहीं, उहदी प्रमाणिकता नहीं उस पद्धर दे उत्ते हुंदी, इस करके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रूप दे विच भी लोक उहनूं इस्तेमाल करन लग गए, झूठ दे पक्ष तों भी बाकी पक्षां दे उत्तों भी। सोशल मीडिया दा इस्तेमाल करन वाले लोकां नूं भी ज़्यादा रिस्पोंसीबल, ज़्यादा जिम्मेवार होण दी लोड़ है, ते समाज नूं भी हर चीज़ नूं परख के ही अगे उहते यकीन करन दी लोड़ है। आप तसदीक कर लैण तां 10-20 मिनट च घंटे च पता लग जांदी ने बाकी दी गल्लां, तां शायद अफवाहां भी कम नहीं करदियां। प्रेस क्लब सब डिवीजन डेराबस्सी वल्लों अज भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के 111वें जन्मदिन नूं समर्पित एक सैमीनार कराया गया, जिहदा विशे सी अजोके युग विच मीडिया के सामने चुनौतियां ते संभावनावां। इस विषय ते अज साडे कोल पंजाब यूनिवर्सिटी के माहर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनजीत सिंह, जिहड़े बहुत चंगे समाज शास्त्र भी ने, उस तो इलावा पंजाबी ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर ते न्यूज़ कोऑर्डिनेटर सरदार हमीर सिंह,
विशेष मेहमान वजो मुख बुलारे वजो इतने पहुंचे से जिन्होंने पत्रकारों बहुत बरीकियां तो इस विषय से अपनी राय रखी जिहड़ी लोगों को बहुत इदा मीडिया तो इलावा कॉलेज के विद्यार्थियों ने बहुत सरकारी कॉलेज के डेराबस के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया तो अपनी राय रखी तो बहुत कामयाब फंक्शन ये जो सैमीनार करवाया गया गया है तो मेरे मैनू जो आस है कि पत्रकारों इस तो बहुत कुछ सीखने को मिले तो एक समाज में सेध देने वाला उपराला असी किया वे तो वास्ते मैं सारे प्रेस क्लब के मैंबर का अहदेदार डेराबसी से कैमरामैन पंकज जोशी के साथ मेजर अली की रिपोर्ट।